आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। अब आप क्या चाहती हैं हमसे? आपका गुस्सा बचा है, जैसे इस सारे मामले से आप लाइलम हैं, ऐसे मैं भी सारे मामले से लाइलम हूँ। जो होना था वो तो हो चुका, बेहतर है कि अब हम इसको डिस्कस ना करें। आपसे एक इल्तिजा करने आई हूँ। कैसी इल्तिजा? आपकी बेटी ने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और आप इल्तिजा कर रही हैं? देखिए, नवैरा का नसीब अगर अकील के साथ लिखा था, हम चाहकर भी खुदा की मर्जी को नहीं डाल सकते। यही सोचकर तो इस रिश्ते को तस्लीम किया। वकास और अकील बहुत अच्छे दोस्त हैं, दुख सुख के साथी, और मैंने तो वकास को हमेशा अपना बेटा माना है। यकीनन आपने भी अकील को बेटा ही समझा होगा। ये इतनी लंबी तमहीद की क्या वजह है? आप और वकास नाराजगी अब खत्म करते हैं। हमारी नाराजगी से आपको क्या गर्ज? आप जाएं अपने बेटे की शादी की खुशियां मनाएं। आपको तो बहुत अमीर बहू मिली है। जी बिल्कुल, इतनी मोहब्बत करने वाली, दिल में दर्द रखने वाली खुदा ने मुझे बहू दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने अभी तक अपने आने का मकसद नहीं बताया। मैं नवैरा को इस जुम्मे को रुखसत करवा कर घर ला रही हूँ, और आपके अलावा तो नवैरा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपसे इजाजत लेने आई थी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस शादी में जरूर शिरकत करें। रुखसती तो मेरे बगैर भी हो सकती है। ये ख्वाहिश सिर्फ मेरी नहीं, नवैरा की भी है। अकील की अम्मी आई थी। मॉम, मुझे गुस्सा इस बात का नहीं कि वो आई थी, इस बात का है कि वो आई हैं, आपने उनको अंदर बुलाया और इतने हौसले से उनकी बात भी सुनी है। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की तो मैं क्यों उनको जाने के लिए कहती है? क्यों मैं उनसे बदतमीजी करती? क्यों आई थी? नवैरा की रुखसती की इजाजत लेने आई थी। मॉम, नवैरा को हमारी परवाह भी नहीं है और ये ड्रामे कर रही है। तमीज से बात करो, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। मॉम, आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलत बात ही नहीं की? क्या हो गया है? अगर वो चाहती तो हमसे बगैर पूछे भी रुखसती करवा सकती थी। और वकास, उनकी अम्मी ने तो ये भी बताया मुझे कि नवैरा भी ऐसे ही चाहती है। हम उनकी बातों को इतना सीरियस मत लें। वो क्या नवैरा की रुखसती कराएंगे? नवैरा इतनी बेवकूफ है कि उनको रुखसत करके घर ले जाए और ये ऐश करें। हसन, ना जाने क्यों मुझे उनसे मिलके ऐसा लगा कि वो अकील की तरह लालची नहीं है। शायद हमने ही समझने में गलती की है उनको। कितना आसान है आपको अपने बातों के जाल में फंसाना। कभी आपको नवैरा ठीक लगती है, कभी अकील की अम्मी सही लगती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ आंटी। मैं खुद आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन फिर सोचा कि वकास मेरे आने से इरिटेट होगा। अब बेटा, मेरा तुमसे रिश्ता बाकी है, अभी तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आओ। मॉम, नेक्स्ट फ्राइडे मेरी रुखसती है पप्पो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, वो अकील की अम्मी ने आके मुझे बताया था। ऐसे मौके पर अगर खाली घर से रुखसत होके जाऊंगी, किसी अपने की दुआओं के बगैर रुखसत होके जाऊंगी, तो डैड की रूह को बहुत तकलीफ पहुँचेगी। मैंने कहा ना बेटा, तुम्हारा रिश्ता बाकी है अभी मुझसे, मैं अपनी बेटी की खुशियों में शरीक होने जरूर आऊंगी। थैंक यू पप्पो। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। This is too much now.